हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन आज और अभी ही जारी किया गया है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही गजब की सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 56,000 रुपये के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, एंड यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पद आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा यहाँ पे आपको 900 प्लस लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जो डिपार्टमेंट यहाँ पे आपका रहेगा, परचेज और स्टोर का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिए। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 10 दिसंबर का रहेगा, शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो आपका रहेगा 31 दिसंबर का। एग्ज़ाम जो आपका रहेगा यहाँ पे CVT एग्ज़ाम, वो आपका जनवरी के 3rd वीक में आपको देखने को मिलेगा। टेंटेटिव डेट दे रखी है, एग्जैक्टली इन्होंने नहीं बताया, जो कि आने वाले नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अब बात की जाए यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में, तो 2 टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जूनियर परचेज असिस्टेंट का, दूसरा आपका रहेगा जूनियर स्टोर कीपर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप सी के पद यहाँ पे रहेंगे और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है और आप जाना चाहते हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया सैलरी लेवल 4 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेके 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका लगभग 26,000 रुपये से लेके आपका 82,000 रुपये तक आपका सैलरी देखने को मिल जाता है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी मेंशन कर दी है, SC ST OBC EWS UR टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन कर दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे वेबसाइट पे मैंने डाल दी है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका जन्म यहाँ पे 31 दिसंबर
1996 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है या फिर इन डेट के ऊपर अगर आपका जन्म हो रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच में होनी जरूरी है। उसके अलावा रिलैक्सेशन मिल जाता है एसएससी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10, 13 और 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। तो ये सारे रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया दे रखे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है साइंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना जरूरी है। अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, 60% आपके होने चाहिए। वहीं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, 60% के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप हो तो आप इसको अप्लाई कर देना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। डिप्लोमा सीएस वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी निकलती है यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक इन्होंने दे रखा है जो कि आगे डिस्कस करेंगे, इवन अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट को इन्होंने दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दी है। और यहाँ पे अप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप पीडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे यहाँ पे, और जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे एसएससी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका लिए फ्री का फॉर्म देखने को मिलेगा, फ्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे 2 स्टेज रहेगी, लेवल फर्स्ट रहेगा, लेवल सेकंड रहेगा। लेवल फर्स्ट आपका सीबीटी एग्जाम होगा, लेवल सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। और आपका जो लेवल फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, बस आपको क्वालिफाई करना है, उसके अंदर बस आपको पास होना है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपका पैटर्न क्या रहेगा, तो इन्होंने जनरल इंग्लिश के बारे में बता रखा है, पैटर्न इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका लेवल फर्स्ट रहेगा वो आपका 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा जो कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 2 घंटे का रहेगा। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 इंग्लिश के आएंगे, और यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग जो आपका अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आपका अकाउंट आएगा, और अगर आपने जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट आएगा 50 क्वेश्चन का, और यहाँ पे जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, 200 का आपका क्वेश्चन रहेंगे और आपका 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। लेवल 2 के बारे में बता रखा है जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका लैंग्वेज इंग्लिश का आएगा, और यहाँ पे आपको ऐसे और लिखने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा जो कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है लेवल फर्स्ट के अंदर 1/4 का, मतलब कि 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन गलती से सही कर देते हैं तो आपका 0 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखे सर्टिफिकेट्स कि आप पीडब्ल्यूडी का और जो भी आपका एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो दे रखे हैं, तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाता है, परचेज एंड स्टोर का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाना है और इस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जॉब लोकेशन मुंबई का रहेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन कर रखा है कि अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर, उससे पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। 2 टाइप की वैकेंसी है, जूनियर परचेज असिस्टेंट का वैकेंसी है और जूनियर स्टोर कीपर का वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, बहुत कम चांस में निकलती है और बहुत कम लोगों को पता होती है, अप्लाई कर देना।
उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए मेरे भाई कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे दो टाइप के टैब दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। उसके बाद आपको इस टैब पे जाना है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला बटन है, उस पर क्लिक करके आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। देन फिर आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इसको अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको आना है। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका योग्यता का चयन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी कुछ किया है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल। उसके बाद नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का नाम आएगा, आपकी कैटेगरी आएगी, उसके बाद आपका यहाँ पे जो एम्प्लॉय आएगा यहाँ पे कि आप गवर्नमेंट कर्मचारी है कि नहीं है तो नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कि नहीं है, नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपका जो आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है मैरिड है तो यहाँ पे हम सिंगल है। उसके बाद यहाँ पे आएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कि नहीं है, नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कि नहीं है, नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है तो यहाँ पे भी नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल अदर, तो यहाँ पे आप मेल फीमेल के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है दोबारा, मतलब कि कंफर्म करने का मतलब है कि दोबारा वहां पे डाल देना है। उसके बाद आएगा आपका DOB, उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे फेसबुक पे करते हैं आप, इंस्टाग्राम पे करते हैं, वैसे यहाँ पे करना है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे और उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। उसके बाद एक कैप्चा कोड दे रखा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है। नीचे आना है और यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट हो चुका है आपका, उसके बाद क्या करना है, बैक आ जाना है। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर वाला बटन है, इस पर आना है और यहाँ पे बोलेगा कि आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड आपको कौन सा डालना है, अब बच्चे बोलेंगे कि मैं ईमेल आईडी वाला पासवर्ड डाल दूं क्या, नहीं मेरे भाई, आपने अभी जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना पड़ेगा जो अभी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है नीचे डालना है, सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने जो अपना आपका जो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देने हैं, क्वालिफिकेशन है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद फाइनली इसको सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपका अप्लाई का पूरा प्रोसेस रहा। 31 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है, जल्दी से अप्लाई कर देना। इसके जो पेपर है, पेपर का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फ्री में। आपको एक रुपया कहीं पे नहीं करना है, फ्री में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कनेक्ट विद मी का वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।